राधा कृष्ण दोस्तों, टीवी तो हम सब लोग देखते ही हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी चैनल्स या उस पर चलने वाले शोज पैसे कैसे कमाते हैं? अगर नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको एडवर्टाइजमेंट का तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कोई शो चल रहा है तो वो कितना पॉपुलर है जानने के लिए उसकी TRP देखी जाती है। TRP उसको कहते हैं जिससे पता चलता है कि कोई शो कितना और कहां कहां से देखा जा रहा है। TRP को चेक करने के लिए देश के कुछ घरों में TV के साथ एक डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं जिससे शो की TRP मिलती है। TRP को चेक करने के लिए एक अलग ही टीम होती है, वो टीम पूरे डाटा कलेक्ट करती है और फिर रिजल्ट निकालती है। TRP के बेस पर ही एडवर्टाइजमेंट्स चलती हैं। किसी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट की बात करें तो ये भी बदलती रहती है। तो जिस चैनल की ज्यादा TRP होगी उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे और जिस चैनल की कम TRP उसको कम पैसे मिलेंगे। सुबह के समय जो सीरियल्स आते हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होती है और वहीं पर जो न्यूज चैनल्स होते हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। शाम के समय TV सीरियल्स की कॉस्ट ज्यादा होती है। आपने नोटिस किया होगा कि जो सीरियल्स के होते हैं उनके न्यू एपिसोड्स हमेशा शाम के वक्त आते हैं और सुबह रात वाले एपिसोड आते हैं। जैसे कोई कार्टून चैनल है तो उस पे बच्चों वाली एड्स आती हैं, जैसे किंडल जॉय, कॉम्प्लान एक्सेट्रा। तो किसी पॉपुलर चैनल पे 10 सेकंड का 1,00,000 तक चार्ज होता है और वहीं पर IPL और वर्ल्ड कप जैसे हो गया तो उस पे जो है 1 सेकंड का 1,00,000 तक चार्ज होता है। दूसरा तरीका है सब्सक्रिप्शन। आपके घर में जो भी कनेक्शन लगा है आपको उसे पैसे देने पड़ते हैं और सभी TV चैनल से ऐसे भी पैसे कमाते हैं। जो TV चैनल से जितना पॉपुलर होगा वो आपसे उतना ही ज्यादा चार्ज करेगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि ज्यादातर न्यूज चैनल फ्री ही होते हैं क्योंकि न्यूज तो मोबाइल पे भी आती है, इसके लिए फिर कौन ही पैसे देगा। तीसरा तरीका है स्पॉन्सर्स। आपने नोटिस किया होगा कि जो रियलिटी शो होते हैं वो स्पॉन्सर्ड वगैरह वगैरह होते हैं, तो शोज ऐसे भी पैसे कमाते हैं। ये कुछ मेन तरीके हैं TV शोज या TV चैनल्स के पैसे कमाने के। राधा कृष्ण।